सब्जी बहुत टाइप्स की बनती है और सबका जायका भी अलग सा होता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाऊंगी कॉलीफ्लावर गोभी की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से, और खाने में इसका जो टेस्ट जायका है ना, वो आपको बहुत ही अलग सा लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कॉलीफ्लावर गोभी। तो इन गोभी को हम मीडियम साइज़ में काट लेंगे। मैंने यहाँ पर छुरी की मदद से मीडियम साइज़ में काट लिया है। काटने के बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। थोड़ा सा नमक पानी में ऐड करने के बाद हम गोभी को भिगो कर रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद उसको निकाल लीजिए पानी से। हम ले लेंगे एक हैवी बॉटम कढ़ाई। आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, मस्टर्ड सीड्स, राई 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून मेथी के दाने ऐड कर रही हूँ, सौंफ 1 टीस्पून। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, हल्की आंच पे हम इन्हें भूनेंगे। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और एक मिक्सी के ग्राइंडर में शिफ्ट कर देंगे। ये मसाला हम पहले से रेडी किए रहेंगे ना, तो हमें बहुत ही आसानी से सब्ज़ी बना सकते हैं। मैंने 2 से 3 बार ग्राइंडर को अच्छे से घुमा लिया है। ये फाइन पाउडर फॉर्म में आ चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा बन गया है। तो हम इन्हें अलग से निकाल कर एक बॉल में रख लेंगे। वही कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले गोभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और जब गोभी का कलर हल्का सा भूनने के बाद चेंज हो जाएगा, तो हम इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। आप चाहें तो बारीक पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। इसी के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं इसमें मिला रही हूँ और गोभी को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारी रेसिपी यहाँ पूरी तरह से तैयार नहीं है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो मैं इन्हें ढककर पका लूँगी ताकि हमारी जो गोभी है ना, वो अंदर से गल जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी गोभी गल के तैयार हो चुकी है। तो मैं इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं हरी मिर्च पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर मैंने इसमें मिलाया है। इसी के साथ सब्ज़ी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, 1 कप हरी मटर। अगर हरी मटर अवेलेबल नहीं है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब्ज़ी हमारी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अगर हरी मटर है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मसाले हमने मिला दिए हैं, अब इन्हें कवर करके ढक कर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब फाइनली हम इसमें मिलाएंगे मसाला पाउडर। ये जो मैजिकल मसाला हमने पहले से तैयार किया था, जिसका सारा फ्लेवर इस सब्ज़ी में आ जाएगा। तो मैं इसमें 2 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ। जो मसाला बचे ना, आप इसको साइड में रख दीजिए, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से बनाकर इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ी को और भी ज़्यादा मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस ऐड करेंगे, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डालेंगे और सब्ज़ी को मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी जो सब्ज़ी है ना, वो बिल्कुल तैयार है। तो इन्हें पराठे के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ सर्व करिए। हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं इन्हें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, घर में बना कर दीजिए, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक